अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस वीडियो में आज गैस के बिल के बारे में बताऊंगा कि वो इंटरनेट से आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको घर में बिल मौसूल नहीं हुआ तो आपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप से गूगल क्रोम को ओपन करना है या एक्सप्लोरर को ओपन करना है। यहाँ पे SNGPL पे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे इंटर करें आप तो ये वेबसाइट खुल जाएगी SNGPL.com। इसमें आप सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड जो मेन इनकी वेबसाइट है आप उस पर जाएँ। पहले वेबसाइट थोड़ी इसे पुरानी थी, अब इन्होंने नई कर दी, इसमें काफ़ी कुछ चेंजिंग लेके आए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। जब मैं आज बिल निकालने लगा तो निकलने लगा तो सोचा कि वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। ये इनकी SNGPL बिल ऐप भी आ गई है, इसमें ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अभी आप इस वाली जगह पर आ जाएँ, यहाँ पर ऑनलाइन डोमेस्टिक एप्लीकेशन बिल इंफॉर्मेशन है, आप इसमें बिल इंफॉर्मेशन पर चले जाएँ। काफ़ी ऑप्शन है लेकिन इसमें जो है वो बिल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन जो है वहाँ पे आपने जाना है। बिल इंफॉर्मेशन के बाद आपने इस साइड पे कस्टमर सर्विसेज में गेट योर गैस बिल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये वेबसाइट फर्दर खुल जाएगी और आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी कंज्यूमर बिल। इसमें आपने कंज्यूमर नंबर जो है वो इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे कैप्चा जो है ये पहले नहीं थी ऑप्शन, अब ये कैप्चा आ गया है। इसको आपने गौर से देख के जो भी कैप्चा है आपका वो करेक्टर हैं वो आपने यहाँ टाइप करने और सबमिट करेंगे तो ये आपके सामने एक बिल आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे सामने एक बिल है पुराना जो इसमें ये अकाउंट आईडी नंबर लिखा होता है, ये नाम एड्रेस सारा कुछ लिखा हुआ है, ये भी अकाउंट आईडी है, ये बिलिंग डेट है, ये अमाउंट सारी लिखी हुई है और इसमें मीटर नंबर, करंट ट्रेडिंग, प्रीवियस सारा। अब ये क्योंकि पिछले मंथ का है और मैंने नया निकालना है बिल तो मैं क्या करूँगा, ये जो मुझे ये अकाउंट आईडी चाहिए होगा, ये अकाउंट आईडी मैं यहाँ पर इंटर करूँगा। ये मैंने इंटर किया और इसके बाद अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया ताकि ये मैं करेक्टर जो है ये मैं इंटर कर सकूँ, PFHC4B, और ये मैं सबमिट करूँगा। इनवैलिड कैप्चा, इसमें कोई गलती हुई है, एक बार मैं दोबारा देखता हूँ। इसमें मैंने H नहीं लिखा, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। PWR3G, अब ये सबमिट करेंगे तो ये देखें हमारे सामने नया बिल जो है वो इस मंथ का सितंबर का आ चुका है। और ये अब हम यहाँ से इसको क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे आपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास अभी प्रिंटर नहीं है इंस्टॉल तो मैं इसको PDF में सेव भी कर सकता हूँ। अगर प्रिंटर इंस्टॉल होता इस लैपटॉप में तो मैं डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट देता, लेकिन अभी मैं इसको PDF में सेव करना चाह रहा हूँ ताकि मैं ईमेल करके इंटरनेट कैफे से या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से इसका प्रिंट ले लूँ। सेव एज PDF करेंगे तो ये PDF में यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। ये मेरे पास डेस्कटॉप में सेव हो गया, अब मैं इसको खोल के देख लेता हूँ। ये देखें, ये है इसकी लास्ट डेट 28/10/2021 है, आज डेट 22/10/2021 है, तो इसका मतलब है मेरे पास कुछ दिन हैं इस बिल को जमा कराने के लिए, मैं इसको जमा करा दूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी आपको उसी गैस रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं।